अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल डायरीज़। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है वो सारा का सारा बाइनांस का पिछला लेक्चर मेरा देख लिया होगा। उसमें आपने अकाउंट्स भी बना लिए होंगे और अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया होगा। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है ट्रेडिंग का, कि अब हम ट्रेड कैसे करनी है, हमने उससे डॉलर्स किस तरीके से जनरेट करने हैं। और इसमें बेसिकली जो है वो दो तरीका कार हैं। एक है बहुत क्विक तरीका डॉलर्स का, उसमें यानी कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट है, और एक जो है वो लो रिस्क और लो प्रॉफिट है। जो लो रिस्क और लो प्रॉफिट का प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, और जो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का जो तरीका कार है उसको हम कहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इसी तरह अब आप ये देख लें जी कि अब बाइनांस में आप मोबाइल पे खोलें या मैंने सिस्टम पे कंप्यूटर पे खोला हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल पे भी खोलते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपको इसी तरह का ही इंटरफेस नज़र आएगा। आप मोबाइल में बाइनांस की ऐप इंस्टॉल करेंगे, कर ही ली होगी आपने, और जो है नेक्स्ट जो है आप उसमें अगर फर्स्ट पेज बाइनांस का देखेंगे तो उसमें आपको यही नज़र आएगा ऑल क्रिप्टोज़। इसमें आपको सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। इसमें BTC, ईथरम, USDT, USDC, ये मुख्तलिफ कॉइन्स हैं, ठीक है। वो कॉइन्स जो अब आपने इन में से किसी भी कॉइन के बारे में अगर मज़ीद जानना है, समझना है कि ये कौन सा कॉइन है, क्या है ये, क्या चीज़ है। अब लेट्स सपोज के हम इधर से देख लेते हैं कि सोल को चेक कर लेते हैं कि जी ये सोल कौन सा कॉइन है। तो सोल के लिए हम इसमें जो मोबाइल पे भी मिलता है एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये कॉइन मार्केट कैप के नाम से, ठीक है, सिंपली आप कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएंगे। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ आपने अब यहाँ से हम जैसे ये सोल है सोलाना, हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सोल है तो ये कॉइन, लेकिन इसका मकसद, इसकी जो सोल की करंट प्राइस है, ये देखें अब ये सारा खुल गया। सोल की करंट प्राइस $46 है, ठीक है। इस टाइम 46.86 पे ये चल रहा है, और इसका रैंक जो है वो 9th नंबर पे है। ये इसका रैंक शो हो रहा है यहाँ पर, के यानी जितने भी कॉइन्स हैं ये उनकी टॉप रैंकिंग, ये टॉप 10 का कॉइन है समझ लें, लेट्स सपोज, ठीक है। और जो है ना ये, इसके अलावा इसके मार्केट कैप्चर, ये कितने कॉइन्स मार्केट में हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, इसका वॉल्यूम कितना है, और इसकी करंट सर्कुलेशन सप्लाई मतलब सोल में इनके कितने कॉइन्स इस टाइम मार्केट में हैं, तो वो ये अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है। करोड़ों की तादाद में इस टाइम मार्केट में लोगों ने मतलब सप्लाई हो चुके हैं, ये मार्केट में घूम रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब ये इसका ग्राफ बताया हुआ है यहाँ पर सारा। तो मतलब इसी तरह अगर आप ये देख लें कि ये लेट्स सपोज यहाँ पर हम ये TRX कॉइन है, TRX को अगर हम सर्च करते हैं TRX क्या चीज़ है, तो TRX की सारी हिस्ट्री डिटेल्स यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है। TRX सिंपली आप लिखेंगे तो TRX जी 17वें नंबर का कॉइन है, 17th रैंक है इसका, 0.07013, और इस टाइम ये 0.63% ग्रोथ के साथ जो है ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है। मेटामास्क वॉलेट है जी, BNB स्मार्ट चेन का कॉइन है ये। इसी तरह मतलब जिस भी कॉइन की आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, ये उसके बारे में ये सारा डाटा लिखा हुआ है कि TRX के मतलब आर्टिकल्स के TRX क्या है। मतलब आप किसी भी कॉइन को अगर स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी कॉइन के हवाले से आप उसकी डिटेल्ड उसका एक समझना चाहते हैं कि वो कॉइन बेसिकली क्या है और वो किस तरह काम करता है और वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे, अब ये इस कॉइन के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये बाइनांस पे भी अवेलेबल है, ठीक है, ये होबी ग्लोबल पे भी है, ये gate.io पे भी है, ये KU कॉइन पे भी पड़ा हुआ है। तो मतलब ये इन एक्सचेंजेस के ऊपर आप इस TRX कॉइन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये आपको कॉइन्स सारे यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, कॉइन के बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर है ये इसकी प्राइस है। इस टाइम बिटकॉइन जो है वो 24,447 डॉलर्स का जो है वो चल रहा है मार्केट में, ठीक है। जो और प्लस 2.83% इसका जो है चेंज है पिछले 24 घंटों की निस्बत, ये 2.82% ग्रोथ पे चल रहा है, ठीक है।
तीसरे नंबर पे आ जाता है इसका वॉल्यूम, 24 आवर वॉल्यूम में ये 29,054 मिलियन समझ लें ये जो है इसकी फिगर्स आ रहे हैं, जो कि ये जिसमें ये 24 आवर्स इसका वॉल्यूम शो करा रहा है कि इतने इसका वॉल्यूम मतलब बढ़ा है। कॉइन मार्केट कैप की आगे फिर वही कॉइन मार्केट कैप्चर इसका कितना है बिटकॉइन का, ये यहाँ पर इतने डॉलर्स में मिलियंस में ये बता रहा है कि इतना बिटकॉइन जो है इतने मिलियंस का मार्केट में इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है। इसी तरह ईथरम है और इसी तरह जो मतलब के और कॉइन्स हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें आ जाते हैं जी स्पॉट की मार्केट में। सबसे पहले कि स्पॉट की मार्केट में क्या चल रहा है, अब इसमें ये पेयर्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है। ये BTC, ये देख लें जी, ये BTC to BUSD का पेयर चल रहा है इस टाइम। अगर हम इसको USDT, अगर आपके पास USDT है तो आप USDT के ट्रेडिंग कॉइन बेसिकली, अगर आपके पास USDT में है अवेलेबल तो आप USDT के साथ ट्रेड करेंगे, अगर आपके पास BUSD में करेंसी अवेलेबल है तो आप BUSD में ट्रेड करेंगे। इसी तरह अगर BNB में ट्रेड करना चाहते हैं या BTC से ही BTC में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये भी मतलब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ईथरम टू BTC, सोल टू BTC, BNB to BTC, ठीक है, BTC के ज़रिए यानी कि ट्रेडिंग। अच्छा, USDT में अगर हम आएंगे, हमने चूंकि USDT में मोस्टली ट्रेडिंग करनी है तो BTC to USDT इस वक्त ये रेशो दिखा रहा है 2.70, वो 2.83 थी, ठीक है। यहाँ देखें अब ये BUSD की मार्केट में ये मतलब पहले 2.83 पे चल रहा था, अब यहाँ USDT में जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो बहरहाल ये इनका चेंज होता है, ये इस चीज़ से इतना मैटर नहीं करता। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रखती है वो है आपकी ट्रेडिंग टेक्निक, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और आप किस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। आप हाई रिस्क हाई प्रॉफिट पे पैसा कमाना चाहते हैं या लो रिस्क और लो मार्जिन के साथ आप पैसे कमाना चाहते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली वो ट्रेडिंग है कि जिसमें कॉइन, अब लेट्स सपोज आपने कोई कॉइन, अब BTC का यहाँ से मैं ट्रेड पर क्लिक करता हूँ तो ये BTC का लेट्स सपोज अगर आपने मतलब स्पॉट में ये सोल चल रहा है $46 का, अगर आपने $46 का सोल परचेज कर लिया, ठीक है, ये अब सोल की अगर आपने जो है ना सोल पर बाय कर लिया $46 का इस टाइम, और अगर कल इसका रेट गिर जाता है 45 हो जाता है, 43 हो जाता है या 42 हो जाता है, तो आपके अकाउंट में अगर एक सोल है और उसकी करंट प्राइस जो है वो एक कॉइन की उस वक्त $43 शो करा रही है, $43, तो आपको $43 समझ लें वो आपके अकाउंट में मौजूद है। अगर ये कल बढ़ जाता है, ठीक है, 50 पे चला जाता है, तो आपको $3 या $4 जो है ये वो प्रॉफिट शो करा देगा, ठीक है। ये इसका चार्ट है जी। अब इन्वेस्टमेंट जो है ना, आपने ये यहाँ पर ज़्यादा जो है ये सोल में, अब हमने इन्वेस्ट किस पोजीशन पे करना है, क्या है सोल मतलब फ़र्ज़ किया सोल है या कोई भी कॉइन है, हम उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में कि आप यहाँ पर जो है जिस मर्ज़ी कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपके पास ये सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, BTC के कुछ साथ करते हैं, कुछ BTC के मतलब ऑपोजिट करते हैं। तो ज़्यादातर अगर BTC के मार्केट, अगर BTC लेट्स सपोज ग्रोथ पे जा रहा है तो मोस्टली कॉइन्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट जो है वो BTC के ऊपर बेस्ड हो रही होती है। अच्छा जी, अब सोल से लेट्स सपोज आपने मतलब ये सोल है या LS कॉइन है, जिस तरह फिल है, मतलब और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आप स्पॉट में आप परचेस करके रख लें, वो 6 महीने बाद बढ़ जाए उसका रेट, उसका रेट साल बाद बढ़ जाए, उसका रेट 1 दिन बाद बढ़ जाए, उसका रेट 10 दिन बाद बढ़ जाए, जब भी उसका रेट बढ़ेगा आपको यानी कि आपका प्रॉफिट खरा है। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ना, अब ये फ्यूचर्स की मार्केट जैसे कि देख लें हम, फ्यूचर ट्रेडिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने मार्केट में उसी टाइम बाय किया, आपका फौरी तौर पे रिज़ल्ट है। अगर कॉइन आपका लेट्स सपोज नीचे जा रहा है, अब ये ईथरम पे लेट्स सपोज हमने ट्रेड करनी है, ईथरम इस टाइम जा रहा है 1987 के ऊपर, ठीक है। अगर हमने अभी 1987 से मतलब अभी देखें मेरे क्लिक करने के दौरान ही ईथरम जो है वो 1985 पे आ गया, ठीक है, यानी कि $1 डेढ़ डॉलर गिर गया।
अगर ये $1.5 लेट्स सपोज मैं यहीं से ट्रेड लगाऊं सेल की, फ्यूचर में आप या सेल की ट्रेड कर सकते हैं या बाय की ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से लेट्स सपोज कर दिया सेल और मार्केट चली गई है बाय में, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर चली गई है और आपने लगा दिया सेल में कि भाई मार्केट गिरेगी, तो इट मीन्स कि आपको लॉस उसी टाइम लॉस होना। अगर $1 की आपने जितनी वो ट्रेड की है उतना उसी हिसाब से, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लेवरेज होती हैं, वो मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में समझाऊँगा। वीडियो थोड़ी सी ये लेंथी होगी, लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो में समझने की कोशिश करनी है चीज़ों को जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि मैं आपको डिलीवर करने में कामयाब हूँ, और जो है ना मैं ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि मुख्तलिफ हर किसी की एक अपनी जो है ना साइंस है ट्रेडिंग के हवाले से, मेरी भी एक अपनी साइंस है, और मेरी साइंस जो है वो काफ़ी सिंपल है। मैं इतने ज़्यादा जो है वो एल्गोरिथम्स और इन चीज़ों पे फॉलो नहीं करता। मैं स्पॉट और रेजिस्टेंस और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई करके ट्रेड करता हूँ, और यही तरीका हेल्पफुल है। ऑलमोस्ट सब लोग ही यही तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन हर किसी का कान इधर से पकड़ना है, कोई उधर से पकड़ना है, हर किसी का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो है ना इन द एंड एंड ऑफ द डे हमें जो मकसद है वो है रिज़ल्ट से। रिज़ल्ट्स जिसके भी तरीके से, चाहे वो लेंथी हो या वो शॉर्ट हो, इन द एंड रिज़ल्ट्स मैटर करते हैं। और रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल अगर हैं तो फिर इट मीन्स कि आपका तरीकाकार ठीक है, आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं ज़्यादातर जो है फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। इसका फ़ायदा यह है कि आप फ्यूचर में जो है ना $50 रख के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, $60 रख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, आप $100 रख के भी ट्रेड। अब लेट्स सपोज आपने स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है, अगर आपके पास है ही $50 तो आप क्या ट्रेड करेंगे, ठीक है, $50 में आप कौन सा कॉइन बाय करेंगे वो, और फिर बड़ा लॉन्ग टर्म है। इसलिए बेहतर है कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप सीख जाते हैं उसमें कम रिस्क ले लें, ठीक है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट फ्यूचर ट्रेड का नाम है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा आप लालच कम करें, जितनी लालच करेंगे उतना रिस्क बढ़ेगा। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितनी लालच करेंगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर लग जाता है तो प्रॉफिट भी आएगा। अगर आप सही हैं, मार्केट आपके मतलब आपने सही तरीक़ाकार से आप मार्केट में इन हुए हैं और सही जगह से आप मार्केट से आउट हो गए हैं एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके, तो इट मीन्स वो हाई रिस्क आपने लिया लेकिन हाई प्रॉफिट भी कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है कम रिस्क में एक जिसे कहते हैं ना एवरेज प्रॉफिट, अगर आज देख लें कि जो डॉलर्स की अमाउंट है वो कहां तक पहुंच गई है, अगर आप $2 भी दिन में कमा लेते हैं तो मेरा ख्याल है इनफ है, अगर आप $50 की इन्वेस्टमेंट करके। अब ये मेरा एक अकाउंट है, इस अकाउंट में ये देखें मैंने इसमें अवेलेबल बैलेंस जो है वो मेरे पास ये 64 USDT अवेलेबल है इस टाइम, ठीक है, 64 USDT के ऊपर। अब हम ट्रेड अगर स्पॉट में मैं देखूं तो स्पॉट में मेरे पास ये इतनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कि मैं यहाँ से अगर कोई किसी भी चीज़ के, अब जैसे कि ये $50 से आप ये सोल एक सोल लेंगे $3, अब $3 ये हो सकता है आज बढ़ जाए, हो सकता है 4 दिन भी ना बढ़े, जबकि फ्यूचर में आप जो है अभी इसके ऊपर ट्रेड करें तो ये अभी आपको अभी 87 से जैसे ये 87 पे था, हम वहाँ से शॉर्ट करते अब ये 84 पे हमें $2 या आधा डॉलर या $1 उसी टाइम ऑन द स्पॉट दे रहा होता या ले रहा होता, ठीक है। तो हमने तो मार्केट को देना तो कुछ नहीं है, हमने मार्केट से लेना है, और लेने के लिए स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजी क्या है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी ये है सर कि सबसे पहले आपने कैंडल को समझना है कि कैंडल जो ग्रीन में कैंडल है ये, इसमें जो ग्रीन का टॉप होगा यहाँ पर, ये बॉटम से ग्रीन जो है ये स्टार्ट होती है, ये ओपन है इसका, ठीक है, और टॉप पे ये क्लोज होती है, ठीक है। इसी तरह जो रेड कैंडल है ये ओपन होती है यहाँ से, यानी जो इसका टॉप होगा ये यहाँ से ओपन होगी, और जो ये है इसका बॉटम होगा यहाँ पर ये आके क्लोज होगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे क्लोज़ होगी तो नीचे से यहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन होगी दोबारा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है थोड़ा सा कि ये ओपन और क्लोज़ का मैटर जो है, ये कैंडल आपको जो है ना इस कैंडल स्टिक उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि अब ये देखें, जैसे अब ये इस कैंडल जो है ये यहाँ से ओपन हुई नीचे से, ठीक है, और यहाँ पर आके क्लोज़ हो गई, और फिर यहाँ से
क्लोज होने के बाद जब रेड कैंडल शुरू हुई, शुरू वो यहाँ से हुई है, ठीक है, ओपन वो यहाँ से हुई है और वो क्लोज हुई है जाके नीचे सेल में। ग्रीन मीन्स फॉर बाय, ये बाय की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और रेड जो है ये सेल की कैंडल है, ठीक है। बाय और सेल को आम जबान में, मतलब ट्रेडिंग की लैंग्वेज में, आम जबान तो नहीं कह सकते इसको, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में लॉन्ग और शॉर्ट कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग मीन्स बाय, शॉर्ट मीन्स सेल, ठीक है। तो लॉन्ग की जो कैंडल होगी वो होगी ग्रीन और शॉर्ट की जो कैंडल होगी वो होगी रेड। अच्छा, इसके बाद जी आ जाती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहला जो चीज़ है वो है, आप लोगों को जो समझने की ज़रूरत है वो है मार्केट की पोजीशन क्या है, ठीक है। मार्केट इस टाइम, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं अभी मार्केट में आया हूँ, मैंने अभी समझे बाइनांस ओपन किया है, तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मार्केट की इस वक्त एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। मार्केट की जब तक मुझे पोजीशन पता नहीं होगी कि मार्केट बाय में जा रही है या मार्केट सेल में जा रही है, ठीक है। अगर मार्केट फर्ज किया है बाय कंडीशन में, मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, अब ये मार्केट इस टाइम यहाँ पर बाय ट्रेंड में है, ठीक है। अगर मार्केट जा रही है बाय ट्रेंड में, तो मैं यहाँ पर अगर लगा देता हूँ शॉर्ट की ट्रेड, तो मेरे लिए वो रिस्क है। अगर मार्केट है शॉर्ट ट्रेंड में और मैं लगा देता हूँ बाय की ट्रेड ले लेता हूँ, तो वो मेरे लिए वो भी रिस्क है, मतलब दोनों सूरतों में मैं डूबूंगा। इसीलिए मार्केट की कंडीशन जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है आपको, कि आपने मार्केट की जो है ना, मार्केट एनालिसिस इसे कहते हैं बेसिकली, बल्कि मैं इसको मार्केट पोजीशन और एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मार्केट एनालिसिस में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन आती है इसमें मार्केट या तो बुलिश होती है, ठीक है, या फिर मार्केट बेयरिश होती है, ठीक है। अब बुलिश और बेयरिश क्या चीज़ है? बुलिश का मतलब है अप, ठीक है, अप ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, यानी मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो कर रही होगी, तो हम उसे कहेंगे बुलिश। और बेयरिश का मतलब है कि डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा, मतलब मार्केट शॉर्ट की पोजीशन में होगी, मार्केट का ट्रेंड जिस तरह, अब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है, मैं एक मिनट इसमें जो है, अगर मार्केट में लेट्स सपोज इसमें मार्केट का ट्रेंड यहाँ से नीचे की तरफ आया है, तो मार्केट होगी बेयरिश ट्रेंड में, ठीक है। बुलिश मीन्स अपवर्ड, बेरिश मीन्स डाउनवर्ड, ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब हमने ट्रेंड के साथ फ्लो करना है, ठीक है। मार्केट अगर डाउनवर्ड उसका फ्लो है तो हम अपवर्ड नहीं छलांग लगा सकते, अगर मार्केट का अपवर्ड फ्लो है तो हम डाउनवर्ड नहीं छलांग लगा सकते, दोनों सूरतों में हमारे लिए रिस्क है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हमने प्रॉफिट करना है, हमारा जो कंसर्न है वो हमें प्रॉफिट से है, हमें हमारा कंसर्न प्रॉफिट से होना चाहिए, हमें जो है ना उस प्रॉफिट के लिए हमें ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस बुलिश और बेरिश ट्रेंड के अंदर जो हमने, लेट्स सपोज हमने, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने ट्रेंड किस तरह एनालिसिस करना है। मार्केट में आपको एनालिसिस जो है आपका वो बड़ा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि विदाउट एनालिसिस आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो रिस्क में होती है। अब मार्केट एनालिसिस जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी, मतलब ट्रेडर के लिए, कि वो आइदर वो गोल्ड पे ट्रेड कर रहा है, आइदर वो जो है इथरम पे कर रहा है, बिटकॉइन पे कर रहा है, जिस पे भी कर रहा है, उसको उस स्पेसिफिक कॉइन का के मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, कि वो स्पेसिफिक कॉइन इस टाइम कहाँ लाई कर रहा है, कॉइन मार्केट कैप उसके बारे में क्या कह रहा है, और जो चार्ट है वो उसके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, मार्केट एनालिसिस सबसे पहले है, उसके बाद मार्केट एनालिसिस के बाद जब आपने उसके बाद जब ट्रेड लेनी है, इसके बाद जो सेकंड चीज़ है जो मैं आपको मतलब समझाऊंगा वो इसमें है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स आपने कौन कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स वैसे तो हज़ारों हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं, ये अब इंडिकेटर्स हैं जी सारे, ये इस टाइम जो आपको ये लाइन्स नज़र आ रही हैं ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये अभी हम फ़िलहाल इसको कैंसिल करेंगे, तो ये देखें जी, ये सारे इंडिकेटर्स
ख़त्म हो गए, ये बिल्कुल चार्ट जो है वो क्लियर हो गया ये जी, ठीक है। ये अब बिल्कुल क्लियर चार्ट है। अब इस चार्ट की मदद से तो नहीं हम ट्रेड लगा सकते, इस चार्ट, ये तो चार्ट चल भी रहा है, चढ़ भी रहा है, उतर भी रहा है, मतलब अप ट्रेंड भी है इसका, डाउन ट्रेंड भी है। अब यहाँ से देखें जिस तरह मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक आई है नीचे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको इधर से बता दूँ कि ये यहाँ से अगर मार्केट आई है यहाँ तक, ठीक है, ये डाउनवर्ड आया, ठीक है। इस डाउन का मतलब है कि मार्केट बेरिश उसमें है, मूव में है अपने। अब यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट आ, और इस कंडीशन में मार्केट यहाँ से इस तरफ गई है अपवर्ड ट्रेंड में, ठीक है, ये अप ट्रेंड है इसका, ये इसका बुलिश पैटर्न है, ठीक है। ये बुलिश हो गया, ये बेरिश हो गया कि मार्केट यहाँ गिरी है और यहाँ से मार्केट चढ़ी है, ठीक है। इसी तरह मतलब अगर हम देखें तो डेली मार्केट जो है वो चढ़ रही है, उतर रही है, लेकिन हमने जो मार्केट की जो मेजर चीज़ है वो है उसका एनालिसिस कि मार्केट इस टाइम हमने क्या करना है। मार्केट तो चढ़ रही है, गिर रही है, उठ रही है, कई इसमें डूब रहे हैं, कई तैर रहे हैं, कई आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, कई इसमें से लाखों रुपए कमा रहे हैं, कई लाखों रुपए डुबा रहे हैं, हम इसमें से कैसे अर्न कर सकते हैं, सवाल ये है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हैं ये इंडिकेटर्स और हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स। एंड इसमें मैं आपको एक और चीज़ जो है इसमें मैं ऐड कर दूँ, इंडिकेटर्स एंड इट्स यूजेस, ठीक है। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और उनके यूजेस कैसे हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स में सबसे पहले नंबर पे जो वो आ जाती है वो है EMA, जिसको हम जो ट्रेडिंग लैंग्वेज में जिसकी एब्रीवेशन है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है इसका मैक्ड, ठीक है, मैक्ड में मैक्ड का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो इंडिकेटर मोस्टली यूज़ होता है वो है RSI। ये आप YouTube पे सर्च करेंगे तो मतलब आपको हर एक इंडिकेटर से रिलेटेड जो है ना वो पूरी पूरी दास्तानें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको जो है वो सिर्फ मेरा मकसद है कि इस एक वीडियो के तहत जो भी ये वीडियो देख लेता है एंड तक उसको ये चीज़ समझ आ जाए कि ट्रेडिंग बेसिकली है क्या और ट्रेडिंग मैंने करनी किस तरह है, ठीक है, मैंने पैसा किस तरह कमाना है, वो इतना एबल हो जाए कि वो खुद से कुछ ना कुछ करने जितना हो जाए, बजाय इसके कि वो वीडियो देख के खाली जो है वो इसके वीडियो से पहले भी खाली हो और वीडियो के बाद भी खाली हो, तो मीन्स उसको कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों में आ जाएगा और इंशाल्लाह अगर आप फॉलो करते हैं चीज़ों को तो आप लोग ट्रेडिंग करने के काबिल भी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बाकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से है मेनली, लेकिन जो चीज़ समझने वाली चीज़ें होती हैं अगर आप सही तरीके से तरीक़ाकार से एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेडिंग को तो फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बता रहा होता है। और इसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो है वॉल, वॉल मींस सिंपली वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी कॉइन का वॉल्यूम जब अप और डाउन होगा। तो अभी जिस तरह मैंने वो क्लोज कर दिया है, अब इसमें अगर हम देख लें ये जो नीचे आ रहा है ये वॉल है, ठीक है, ये सोल का VOL, सोल इसका मतलब क्या है, VOL USDT, सोल में USDT का में वॉल्यूम जो है वो कितना है। अब यहाँ वॉल्यूम इसका रेड है तो इट मींस के वॉल्यूम निकला है मार्केट से, ठीक है, अगर वॉल्यूम निकला है तो मार्केट भी गिरी है, ऊपर से कैंडल्स भी रेड आई हैं। अब ये देखें कि आप इधर से देख लें कि ये इस टाइम 45.47 पे था और यहाँ से पहला रेड वॉल्यूम का कैंडल आई, ठीक है। अब ये आ गया नीचे 37.04 के ऊपर
और जो है ना, यानी कि कहाँ से गिरा ये, 45 से 37 तक, मीन्स के ये तकरीबन 7 से 8 डॉलर्स ये गिरी है मार्केट सिर्फ इन 4 कैंडल्स में। तो वॉल्यूम आपको ये चीज़ बता रहा होता है। अब जिस तरह ये ग्रीन है, तो अब ये जब यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ है, तो अब ये देखें जी, ये 4 कैंडल्स इसकी ग्रीन है, ठीक है। ये यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ है, 39.24 से स्टार्ट हुआ है, 48.38 तक ये गया है, ठीक है। 48.38 मतलब कि ये 10 डॉलर ऑलमोस्ट जो है ये चढ़ गया। तो ये मुख्तलिफ़ इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो एक और चीज़ आती है, वो ये इंडिकेटर्स हो गए। फिर इसके बाद जो एक और चीज़ है वो है इसकी, उसको हम कहेंगे जी, इसके बाद जो एक और चीज़ है उसको हम कहेंगे इसकी सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको अब हाईलाइट हम कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट क्या है, उसकी उसके रेजिस्टेंस क्या है, किस जगह के ऊपर मार्केट जो है वो उसकी सपोर्ट है, और किस जगह पे उसकी मतलब कॉइन की रेजिस्टेंस है, जहाँ से कॉइन ने मतलब वापसी की तरफ आना है या कॉइन ने ब्रेक लगानी है जाके, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर। अब मार्केट, सबसे पहले मार्केट ट्रेंड हम एनालिसिस करते हैं इसमें, कि मार्केट का ट्रेंड अप एंड या डाउन है। मार्केट का ट्रेंड अप एंड डाउन में हम आ जाते हैं जी। इसके बाद हम जितनी वर्किंग का प्रोसीजर है वो हमारा होता है इस पे, ट्रेडिंग व्यू पे। अब ये सब किस तरह आया, इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ से सिंपली मैं गूगल पे आऊँगा। ये वैसे आपको गूगल प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू की जो है एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू, सिंपली ट्रेडिंग व्यू में आप चार्ट्स में जाएंगे, ठीक है। ये चार्ट्स ओपन हो गया, ये मेरे पास ओपन है। अभी हम इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। ये सारा बिल्कुल एक ब्लैंक चार्ट इस तरह का आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने जो सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो है हमारे यहाँ पर, ये देख लें जी, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ये वैसे यहाँ से आप कोई भी पेयर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इथरम है तो आप इसको BTC कर सकते हैं, ठीक है। ये BTC फ्यूचर्स आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप BNB करना चाहते हैं तो ये BNB में आप आ जाएंगे। जो इधर इधर रेट चल रहा होगा, आप यहाँ से बाइनांस वाला सेलेक्ट करेंगे, BNB परपेचुअल कंट्रैक्ट, ठीक है। USDT को परपेचुअल भी कहते हैं, ठीक है। BNB ये USDT है, परपेचुअल कंट्रैक्ट ये आ गया, ठीक है जी। आपने इसको इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये BNB का इस टाइम अगर ये 330.34 पे चल रहा है, तो बाइनांस में भी ये इतने पे ही चल रहा होगा, ठीक है। इसके एक आध डॉलर का ऊपर नीचे होता है, अगर हुआ भी सही तो, वैसे बहुत कम होता है कि कोई फ़र्क हो, अदरवाइज़ मतलब सेम होता है, ठीक है। अब ये देखें, 330.42 पे BNB इस टाइम यहाँ चल रहा है, ठीक है। 330.46, तो इधर देखें 330.58, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए आपकी जो भी वर्किंग है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे आप इसकी वर्किंग आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो ईथरम के ऊपर काम करें। ईथरम ठीक है इस हवाले से, ईथरम, BNB या बिटकॉइन, ठीक है। मेरा फेवरेट कॉइन ईथरम है, तो मैं इसलिए जो है ना ईथरम को प्रेफर करूँगा। अच्छा जी, अब इसमें हम सबसे पहले ये आ गया, ये इसका टाइम लाइन है, ठीक है। टाइम फ्रेम है ये, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। मतलब 1 महीने का मैं खोलूँगा तो ये 1 महीने का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से आपको ये जो भी कैंडल है, ये जो ये लेट्स सपोज ये एक कैंडल है, ये 1 मंथ की कैंडल है, ठीक है पूरी। ये इसमें नीचे इसकी डेट आ रही है यहाँ पर, ये इस जगह के ऊपर 2022 में, ये देखें यहाँ पर डेट आ रही है 1 जैन से लेकर 22 तक, ये इसकी पूरी कैंडल है, ठीक है। यानी कि ये जनवरी की हो गई, ये दिसंबर की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये अगस्त की इस टाइम चल रही है, ठीक है। अभी की करंट कैंडल जो है वो इस टाइम चल रही है।
अच्छा, फिर इसके बाद जो है अगर हम वन डे में आ जाते हैं तो वन डे की कैंडल जो है ये वन डे का चार्ट आ गया, ठीक है। ये जो कैंडल्स हैं ये एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। इसी तरह अगर आप आ जाते हैं वन और में तो ये एक घंटे की एक कैंडल है, ठीक है। 15 मिनट में 15 मिनट की एक कैंडल है। मतलब जिस टाइम फ्रेम में आप मार्केट को देखना चाहेंगे वो उस टाइम फ्रेम में वो मार्केट की कैंडल जो है वो एक ही, मतलब एक कैंडल का मतलब एक घंटा या 15 मिनट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, एनालिसिस के लिए आपने या एक घंटा यूज़ करना है, ठीक है, या फिर आप इसमें 4 घंटे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक घंटा या 4 घंटे इनफ है मार्केट एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब एनालिसिस किस तरह होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, एनालिसिस में सबसे पहली जो चीज़ है वो है, अब ये देखें मार्केट ने इतने एरिए के अंदर, ये जो एरिया है मार्केट का, इस एरिए के अंदर मार्केट ने जो है, इसको मैं येलो कर देता हूँ ताकि आपको नज़र सही से आए। ये जो एरिया है ये मार्केट ने यानी कि अपनी स्पॉट रेजिस्टेंस एक बनाई है, रेजिस्टेंस क्रिएट की है कि जिसके ऊपर मार्केट जो है वो काफ़ी जो स्टेबल जिसे कहते हैं मार्केट ने होने की कोशिश की है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि मतलब मार्केट ऊपर जाके अब वहाँ से फैसला करती है कि मैंने गिरना है या मैंने ऊपर जाना है मज़ीद, ठीक है। रेजिस्टेंस के ज़रिए हमें ये पता चलता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पर देख लें कि ये जो इतना एरिया है ये वाला, इस एरिया में दोबारा मतलब वही चीज़ आपको देखने को नज़र आई है, ठीक है। इसी तरह मतलब अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा स्टेबल, 4 घंटे की कैंडल है ये, ठीक है। तो एक मतलब एक दिन पूरा जो है वो मार्केट एक ही जगह पे स्टेबल रही है और फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। मतलब मार्केट स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऊपर या नीचे मूव करती है, ठीक है जी। अच्छा, स्पॉट जो होती है, अब ये है जी मार्केट की रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पॉट जो होती है, स्पॉट होती है, अब मार्केट किसी भी एक स्पॉट से उठती है अगर, ठीक है। फ़र्ज़ किया ये यहाँ पर आके जी मार्केट ने, जहाँ हमने इसकी अब स्पॉट्स फ़र्ज़ किया हम निकालते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो टास्क होता है कि हमने मार्केट की स्पोर्टें डिसाइड करनी होती हैं कि मार्केट की स्पोर्ट्स बेसिकली हैं क्या, ठीक है जी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आपने घबराना नहीं है और वीडियो को जो है एंड तक देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत होती है यार चीज़ों को जो है ना समझाना जो है ना, और मैं ये चाहता हूँ कि चलो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो भी लोग इस वीडियो को देखें जो उनसे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी हम स्पोर्ट्स जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अब हम मार्केट इस टाइम यहाँ जा रही है, मार्केट ने अब लास्ट मार्केट 2022 तक आई है, अब 2022 तक आई है तो हम इसकी एक जगह को मार्क कर लेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन नहीं, हमें लाइन चाहिए पूरी, ठीक है जी। अब आपको समझ आ रही है कि ये इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, ठीक है। ये दोनों इनकी मार्केट के रेजिस्टेंस पॉइंट थे, ये मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली थी, मार्केट नीचे की तरफ आई थी, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ से दोबारा मार्केट जो है ऊपर चढ़ी थी, ठीक है। ये हर चीज़ आपके सामने है खुली किताब की तरह, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है चीज़ों को। अब मार्केट उसके बाद जी यहाँ से दोबारा चढ़ी, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको आपको जूम करके दिखा दूँ कि ये बेसिकली जो है ना एल्गोरिथम होता है एक पूरा, जिस एल्गोरिथम के तहत ये गेम चल रही होती है, ठीक है। मार्केट उस दौरान में मतलब बुलिश बेरिश हुई, बेरिश के बाद फिर बुलिश हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने उस स्पॉट को यहाँ से मार्क किया था, अब यहाँ से देखें इस पॉइंट से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मार्केट बेरिश हुई मतलब मार्केट गिरी, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा जो है मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो इट मीन्स ये इसकी स्पॉट हो गई और यहाँ से जहाँ से ये गिरी है इस पॉइंट से ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है जी।
ये रेजिस्टेंस और ये स्पॉट हो गई। अच्छा, अब इसकी यहाँ से दोबारा हम स्पॉट की तरफ आ जाते हैं। स्पॉट में अब हॉरिजेंटल लाइन, हमने इस स्पॉट को भी मार्क कर लिया। अब ये मार्क करना ये ज़रूरी है, ये चीज़ें जो है ना, ठीक है। अब आप जहाँ जहाँ से भी देखेंगे, अब ये देखें जी, यहाँ से मार्केट जो है इसी स्पॉट से जो है दोबारा इस स्पॉट से रेजिस्टेंस हुई मार्केट की, मार्केट मज़ीद नीचे गई, ठीक है। ये जिस तरह ये दो पॉइंट हैं इसके, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के अगर मार्केट लेट्स सपोज गिरती है, ठीक है, तो ये जो कह रहे होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ सिग्नल आ रहे होते हैं कि जी लास्ट यहाँ तक गिरेगा, इसके बाद नहीं गिरेगा, वो कैसे, वो कोई उनके पास कोई भविष्यवाणी उनकी जो होती है वो ये कैसे होती है, वो इसी तरह होती है कि उनको पता होता है कि वो लोग बेसिकली ट्रेडिंग एल्गोरिथम को समझते हुए स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें समझ आ रही होती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से, आपको बुलिश और बेरिश तो समझ आ गया होगा अब तक, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव। अब हमारा जो मकसद है ना मेन, वो है कि हमने यहाँ से आगे ट्रेड जो करनी है वो किस तरह करनी है, मतलब अब यहाँ से हमें क्या पता कि मार्केट ने ऊपर जाना है कि मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है, हमने शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, हमने बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जी एक इसकी रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरे रेजिस्टेंस इसकी ये है, ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस इसकी हो गई ये जो हमने मार्क की हुई थी, दूसरे रेजिस्टेंस ये देखें ना, ये दो इसकी टॉप्स हैं, ठीक है। अब तीसरे रेजिस्टेंस जो है वो इसकी आ जाती है ये, चौथी रेजिस्टेंस आ जाती है इसकी ये, पांचवी रेजिस्टेंस आ जाती है ये। जब ये इन सारी, यानी कि लास्ट इसका आता है 2163, अगर ये 2163 के फिगर को क्रॉस करेगा, इस वक्त ये 1984 पे चल रहा है, ठीक है, 1984 पे चल रहा है, अगर ये 2163 को क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट जो ये रुकेगा ये जाएगा यहाँ तक, ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यानी भविष्यवाणी अब आपको समझ आ रही होगी कि भविष्यवाणी कैसे होती है, ठीक है। आपने ये ऊपर वाली जो है छोड़ देनी है, जहाँ मेन ज़्यादातर कैंडल्स जहाँ इकट्ठी हो रही हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है कि जहाँ ज़्यादातर कैंडल्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है, मतलब ज़्यादातर कैंडल्स वहाँ इकट्ठी हो रही हैं, मतलब उनकी टॉप है, तो ये मतलब ये है 2408 पे, यानी कि अगर ये 2150 के फिगर को क्रॉस करता है लेट्स सपोज इसी ड्यूरेशन में, तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये सारा एरिया हमारा ट्रेडिंग एरिया है, बाय जोन है ये हमारा, हम इसको यानी 2163 के बाद हम इसको बाय करें अगर, तो ये हम 2400 तक की ट्रेड यानी कि हम ले सकते हैं, एक बात की कंफर्मेशन। 2400 के बाद फिर हम उसकी नई दोबारा से नेक्स्ट उसकी हम जो है ना वो करेंगे कि उसकी दोबारा से हम अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत जो है उसको दोबारा, ये देखें अब मैं इसको दोबारा मज़ीद छोटा अगर करूँ, ये देखें, ठीक है, ये इसकी स्पॉट है, ठीक है, जो हमने लाइन मार्क की हुई थी, मैंने यहाँ की थी मार्क, लेकिन ये देखें ये इसकी स्पॉट है, ठीक है। मतलब कि आप जब थ्रू अ प्रॉपर चैनल चलेंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेसी की तरफ आ जाएंगी। अच्छा, बीच में एक स्पॉट ये भी आती है, ठीक है, ये कोई पुरानी स्पॉट है, लेकिन ये यहाँ पर आया था लास्ट टाइम फेब 2022 में, ठीक है, 24 फेब 2022, तो इट मीन्स ये पुरानी नहीं है, ये अभी की है, ये यहाँ से दोबारा मतलब ले सकता है। अच्छा चलें जी, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये है जी 2300 समथिंग के ऊपर, ठीक है, 2300 की रेशो के ऊपर, मतलब ये बात तो तय है कि 2163 अगर क्रॉस करता है तो ये $150 की आपको बाय की कंफर्म ट्रेड दे सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि देगा, लेकिन ये दे सकता है। मेरी तरह का कोई और अगर अब आएगा तो वो हो सकता है कि वो कहे कि भाई उठा लो, जैसे आप किसी अच्छे मतलब उसको देखें जो क्रिप्टो के बेताज बादशाहों में आते हैं, तो वो कहेंगे भाई उठा लो उठा लो, प्रॉफिट टपा टप प्रॉफिट कमाओ, ये करो वो करो, तो मतलब प्रॉफिट कमाओ, लेकिन आपको ख़ुद भी एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है भाईजान, बजाय आप किसी के कहने पे आप नहीं चल सकते, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 4 घंटे का फ्रेम। अच्छा, अब आप इसके बाद आ जाएंगे, आपने स्पोर्ट सारी कैलकुलेट कर ली,
एक दो स्पॉट्स हम यहाँ से, हो सकता है यहीं से मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि हमने तो अभी ट्रेड लेनी है। तो हम अभी कहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं, हमारे टारगेट क्या होना चाहिए, हमने कहाँ से टारगेट करना है, कहाँ से ट्रेड लेनी है और कहाँ पर हमने ट्रेड से बाहर आ जाना है। लालच आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको मतलब प्रॉफिट, आप 1% की रेशो से काम करें, अगर आपका पूरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% जो अगर आप प्रॉफिट मतलब आपको हो रहा है ट्रेड में, तो आप फ्यूचर ट्रेड में खामोशी के साथ शुक्र अदा करते हुए बाहर आ सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। कि मार्केट है, मार्केट तो हर टाइम चल रही है यार, दोबारा ट्रेड ले लेना क्या हो गया। मार्केट कौन सा कोई भाग ही जा रही है, या एम्पायर थोड़ी या विकटें शिकटें उठा के गायब हो जाएंगे। मार्केट इधर ही रहनी है, हमने कहीं मार्केट ने कहीं नहीं जाना, हमने बस मार्केट से पैसा बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जी फिर हम आ जाते हैं। अच्छा, ये हमने एक यहाँ पर हमने मार्क कर ली कि ये हमारी पिछले प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 1961 पे, कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इसके बाद अब हम नीचे रेजिस्टेंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो ये इन सारों की जो टॉप है ये इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, अगर ये इसकी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो फिर उसके बाद ये आएगा इस रेजिस्टेंस पे, अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर उसके बाद ये आएगा इस रेजिस्टेंस पे। मतलब ये जो है ये रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस चलते हैं। ठीक है, कॉइन्स स्पॉट टू स्पॉट, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, स्पॉट और रेजिस्टेंस का जो मतलब क्राइटेरिया है वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं या आप मतलब प्रॉफिट ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 4 घंटे में हमने ये कुछ मतलब पॉइंट्स मार्क कर लिए। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इसके बाद 15 मिनट के फ्रेम में। ठीक है, 1 घंटे में पहले देख लेते हैं 1 घंटे में क्या पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, जो हमने ट्रेडिंग मार्क की थी, जो आपने मार्क किया है लाइंस वगैरह वो आप लगी रहने दें, वो अगर आप मोबाइल पे भी वर्किंग करते हैं, मोबाइल पे भी सेम यही वर्किंग है, मोबाइल पे कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप सिंपली आप जो है अपने इसे क्या गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से आप इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू को आप डाउनलोड कर लें, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने सारा जो है, अब ये देखें मैंने जो जो लाइंस लगाई हैं, जो जो ट्रेड मार्क की हैं, चाहे वो अप की हैं चाहे वो डाउन की हैं। ठीक है, अब ये मार्केट इस टाइम गिर रही है तो इट मींस के ये 1961 तक, ठीक है, 61 हमारा एस्टीमेट है, ये 65 के अराउंड भी आ सकती है, मतलब 60-65 के अराउंड ये कहीं भी जो है लाई करेगी। अगर ये 60 को क्रॉस करेगी, नीचे की तरफ आती है, तो फिर इसका नेक्स्ट जो है वो मतलब $30 की इसकी जो है वो होगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्लू लाइन कर देता हूँ इसको, कि क्योंकि हमने तो करनी है, हम 4 घंटे में करेंगे तो 4 घंटे के हिसाब से वो बता रहा था ना, हमने 4 घंटे में मेजर हमें पता चल गया कि मार्केट जो है इस टाइम मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। यहाँ ट्रेडिंग व्यू में आपको ये भी बता रहे होते हैं, ये देखें ये इसका टेक्निकल्स हैं, ये बाय की सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ये निचोड़ बता रहा होता है मुख्तलिफ ट्रेडर्स का। ठीक है, अब यहाँ पर है जी बाय का सिग्नल, तो इट मींस के हमारी स्टडीज़ के मुताबिक भी कि मार्केट जो है इस टाइम यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू हुआ है और मार्केट का जो ट्रेंड है मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप इसको अप अच्छा ट्रेंड के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, ये देखें जी, बाकी वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आप उसके हवाले से कोई भी मतलब वीडियो मतलब मज़ीद कोई और देख सकते हैं यूट्यूब की वीडियो के, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कौन सी कैंडल। आप ये देखें, ये जिस तरह 1, 2, 3 ग्रीन कैंडल्स दी हैं, अगर 1 कैंडल और 2 कैंडल ग्रीन हो गई तो तीसरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल ग्रीन कैंडल्स होती हैं, अगर तीसरी के बाद चौथी भी कैंडल ग्रीन दे दे जिस तरह के यहाँ पर दी है इसने, ये 1 डे की कैंडल है। ठीक है, मुसलसल ये 3 दिन से ऊपर जा रहा है। अच्छा, इधर देख लें, इधर भी इसने मुसलसल 4 कैंडल्स दी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको, ठीक है, ये देखें यहाँ इसने यहाँ पर ये 4 कैंडल्स दी मुसलसल। ठीक है, फिर इसने अब यहाँ से ये मुसलसल 4 कैंडल्स दी, तो इट मींस ये अप ट्रेंड है। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ देखें तो ये इसने ये डाउन ट्रेंड था, ये सारा बेरिश था। ठीक है, बुलिश और बेरिश मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
बेरिश ट्रेंड, ठीक है, ये यहाँ पर आपको बेरिश ट्रेंड दे रहा है और ये यहाँ पर बुलिश ट्रेंड, ठीक है, ये ग्रीन, इसको आप यहाँ पर ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, ये आपका बेरिश ट्रेंड है सारा, कि मतलब मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ से जो है मार्केट अब ऊपर की। बेरिश ट्रेंड मींस हमने मार्केट में लेनी है बाय की ट्रेड, ठीक है, और बुलिश ट्रेंड मींस हमने बेरिश ट्रेंड मींस हमने मार्केट में सेल की ट्रेड। अगर हम फ़र्ज़ किया यहाँ से सेल लेते तो हमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से अब एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ, यहाँ से अगर हम शॉर्ट की पोजीशन देखें तो आप इसमें आम तौर पे 40% प्रॉफिट, ठीक है, 50% प्रॉफिट और 40% स्टॉप लॉस का फिगर से आपने इसको चलना होता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर सेट करते, यहाँ से आ जाएं जी, ये हमारा ठीक है, ये हमारी स्टॉप लॉस की अमाउंट होती, ठीक है, 4% के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया लेट्स सपोज, ठीक है, और 5% के ऊपर हम आ गए इसके प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड देखें तो आपने यहाँ से अगर ट्रेड ली है तो आपको इजीली वो आपके टारगेट को हिट करता है, ठीक है जी। इसी तरह आप यहाँ से दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ से फिर इस कैंडल से ट्रेड ले सकते हैं, आप चाहें तो एक ही ट्रेड बड़ी ले सकते हैं, लेकिन वो हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन हाई रिस्क हाई, अगर आप इसका स्टॉप लॉस यही रहने दें लेट्स सपोज, और आप इसको इसका जो मार्जिन है आप उसको यहाँ तक अगर आप वेट कर लें, ठीक है, मतलब आपने लंबी ट्रेड ले ली है, ठीक, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है, लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट के ऊपर लगाया था इथरम का साइज़, ये USDT आपने लगाया है इधर 500, ठीक है, 500 USDT की ट्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने $50 से $500 की ट्रेड कैसे लेनी है, यही फ्यूचर ट्रेडिंग है बेसिकली, ठीक है। एंट्री प्राइस 1811 थी, ठीक है, एग्जिट प्राइस जो है ट्रिगर प्राइस आपकी, आपने अगर इसको यहाँ किया तो आपका टोटल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हुआ यहाँ पर, ये देख लें जी, तकरीबन $600, ठीक है, मतलब क्योंकि ये यहाँ से 1800 से गिरा है और ये 1100 पे आया है, एक कॉइन की ट्रेड थी ये पूरी, ठीक है, तो $600 का आपने ट्रेड ले ली। आप $600 लेके यहाँ से, ये वन डे की कैंडल है, आपने तीन दिन, आप चार दिन ट्रेड में रहे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 दिन आप ट्रेड में रहे और 5 दिन के बाद आपने $500 या $600 लेके आप साइड हो गए, लेकिन मैं आपको ये मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा, आप 5% प्रॉफिट और 4% जो है वो स्टॉप लॉस के साथ चलें तो ये सबसे बेस्ट है। और इन्वेस्टमेंट का 5% देखें आप, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट का वैसे तो 1% का जो, मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास $500 है तो आप उसका 1% भी अगर आप करते हैं तो $5, ठीक है, $5 अगर आपने उसमें से प्रॉफिट कर लिया है तो वो आपके लिए इनफ है, आप उस ट्रेड से इज्जत के साथ बाहर हो सकते हैं प्रॉफिट लेके, बजाय इसके कि आप रिस्क लें और लॉस करें, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती हैं, अब नेक्स्ट हमने मार्केट फ्लो देख लिया, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, ठीक है, हमारा समझ लें कि ये मार्केट एनालिसिस भी हो गया, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये भी किसी हद तक हमें समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस भी हमें समझ में आ गया। अब जो हमने जब लेनी है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड में हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस वीडियो का, जो मतलब जिसमें हर बंदा जो है मोस्टली मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर, कुछ लोग RSI पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग MACD पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रिपल मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं, मतलब इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं यार। यहाँ मैं आपको दिखाऊं अगर इंडिकेटर्स खाली, तो ये मैंने तो इसमें वो किया है, ये देखें इंडिकेटर्स में, अगर आप ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये इंडिकेटर्स में आएँ, ये इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, लोग जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ इंडिकेटर्स पे काम करते हैं,
कुछ लोग SSL चैनल पे भी काम करते हैं, SSL चैनल भी एक इंडिकेटर है, लेकिन मैं उस पे इतना काम नहीं करता। मैं जिन इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूँ वो यही हैं, और इंडिकेटर्स में भी फिर आगे उनकी मतलब सेटिंग्स हैं। अच्छा, अब इसमें सेटिंग्स में सबसे पहले हमने जो है EMA, ठीक है, अब हमने एक्सपोनेंशियल, अब हम लगाने लगे हैं ट्रेड। हमने सबसे पहले सारा काम कर लिया, हमें पता लग गया मार्केट बाय ट्रेंड में है, हमने मतलब अब ट्रेड करनी है, ठीक है। हमने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली सारी की सारी, अब हम इसके ऊपर जो है वो करने लगे हैं ट्रेड। अब ट्रेड के लिए सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, आप इधर इंडिकेटर्स में जाएंगे, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा दूं, आप इधर EMA, सिंपली EMA आप सर्च करेंगे, इसमें मूविंग एवरेज भी आती है। आपने मूविंग एवरेज नहीं सर्च करना, अगर आप मूविंग एवरेज देख लेट्स सपोज सर्च करेंगे तो ये आ गया मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मतलब आपने मूविंग एवरेज नहीं सर्च करना, आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, ठीक है, ये सर्च करना है। EMA आपने एक, ठीक है, लगा लिया, एक और ले लें, ठीक है, दो हो गए। ट्रेडिंग व्यू पे आप एट अ टाइम मतलब तीन इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, तीन से ज़्यादा नहीं लगा सकते, फिर आपको बाय करना पड़ता है, तो दो ही इनफ होते हैं। अब आप इसकी यहाँ से सेटिंग्स में चले जाएंगे, ठीक है, इनपुट्स में आपने सबसे पहले इसकी लेंथ जो है मतलब कितने कैंडल्स का निचोड़, ये बेसिकली EMA एवरेज का तो आपको पता है, एवरेज का मतलब होता है आम जबान में मैं आपको कहूँ तो निचोड़, ठीक है। तो 50 कैंडल्स की हमने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है वो हमने निकालनी है क्लोज़ के ऊपर, ठीक है, यहाँ लो हाई ओपन भी है, लेकिन हमने 50 कैंडल्स जो क्लोज़ होती हैं, हर 50 कैंडल की क्लोजिंग के साथ जो है ये मूविंग एवरेज जो है वो चलती है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं येलो कलर, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है, हमें भी नज़र आ सके, और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारी 50 कैंडल्स की मूविंग एवरेज की लाइन ड्रा हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसमें ये दूसरी पे आ जाते हैं, दूसरी हमारी जो होगी ये होगी 200 की, ठीक है। बीच में अगर आप करना चाहें तो आप 100 कैंडल भी कर सकते हैं, मैं बाद में आपको इसका अभी यूजेस भी बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि इसका यूज़ क्या है, ये बड़ी ही कमाल चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई वाइट लाइन, हमने इसको वाइट दिया था, ठीक है, वाइट लाइन में आ गई वाइट वाली 200 कैंडल्स की है, मतलब ये 200 कैंडल्स को प्लस करके उनकी एवरेज बता रहा है कि मतलब वो उनकी क्लोजिंग वो कितने पे हुई थी और फिर उनकी एवरेज से ये लाइन ड्रा हो रही है। इसी तरह ये जो ये है ये येलो वाली, ये 50 कैंडल्स की मूविंग एवरेज के ऊपर ये लाइन ड्रा हो रही है, ठीक है। मैं इसको 15 मिनट पर ले आता हूँ क्योंकि अब हम करने लगे हैं ट्रेड। ट्रेड हमने मोस्टली 15 मिनट की कैंडल पे करनी है, बाकी जो एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे की है ये सिर्फ मार्केट एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। आपको कोई भी ट्रेडर या स्पेशली मैं तो नहीं ऐसा मशवरा दूंगा कि आप एक दिन की ट्रेड को देखें फिर आप एक दिन के हिसाब से चलें, ठीक है। ये देखें जी, जो असल चीज़ थी इसकी ब्यूटी, इस इंडिकेटर की जो ब्यूटी थी वो यही थी कि ये देखें आप यहाँ से ये येलो लाइन जो है, इस येलो लाइन से अगर मार्केट ऊपर है तो मार्केट बाय ट्रेंड में है, ठीक है। अगर आप मतलब ये आपने स्पोर्ट्स निकाल ली, रेजिस्टेंस निकाल ली, अगर मार्केट इस येलो लाइन के ऊपर है तो मार्केट बाय ट्रेंड में है, अगर मार्केट इस येलो लाइन से नीचे है तो मार्केट किस ट्रेंड में होगी, फिर जाहिर है बाय नहीं होगी तो यार सेल में होगी ना, ये मार्केट सेल ट्रेंड में है, ठीक है। वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों ने जो है ना वीडियो को मज़ीद एंड तक देखना, ये वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये वाइट लाइन और रेड ये येलो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इट मींस येलो लाइन नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, वहाँ से शॉर्ट की ट्रेड शुरू हो जाएगी। इसी तरह अब यहाँ देख लें, यहाँ इसने येलो लाइन ने क्रॉस किया ऊपर की तरफ वाइट लाइन को, तो ये मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पर बाय की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ से क्रॉस किया यहाँ तक, ये बाय ट्रेंड हो गया, ठीक है। यहाँ से क्रॉस किया, ये सारा बाय ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह अगर आप अब आप एक इसमें आ जाएं, यहाँ देख लें, यहाँ वाइट लाइन ऊपर है, ठीक है, येलो लाइन नीचे है, शॉर्ट कट शॉर्ट की ट्रेडिंग है ये सारी। यहाँ से आपने कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि मार्केट आपको ये इंडिकेटर EMA स्पेशली आपको
अगर आपको ईएमए बता रहा है कि भाई शॉर्ट लो, शॉर्ट की ट्रेड है, तो और आपने वहाँ पर कर दिया लॉन्ग, तो आप लॉस करेंगे, ठीक है। अगर आपने वहाँ मार्केट आपको कह रही है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में है, बाय की ट्रेड है, आप यहाँ पर फिर भी बाय में आप फिर भी शॉर्ट करने का रिस्क ले सकते हैं कि मतलब शायद आपकी बचत हो जाए, अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि वहाँ पर बाय ही लें, मतलब आप छोटा सा ले लें बाय, लेकिन आप लॉन्ग ही करें, आप शॉर्ट ना करें, ठीक है। अगर मार्केट इन दोनों के दरमियान में है, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है, हाईलाइट, अब इसको जो है ना थोड़ा सा ये कर देते हैं, अगर ये मार्केट इस उसमें है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर है मार्केट, तो आपने इस तरह कोशिश करनी है कि कोई ट्रेड ना लें, ठीक है। आप इसकी मार्केट का या बाय में आने का वेट करें ऊपर की तरफ, या शॉर्ट में आने का वेट करें नीचे की तरफ। समझ लें उस दिन आपकी छुट्टी है, आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी अगर मार्केट सारा दिन ही इस कंडीशन में रह गई है, ठीक है। और जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, ये देखें, अब जब मार्केट यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू हुआ, मैं अब इसको थोड़ा सा ना डिलीट कर दूं इन लाइंस को, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से जो है बुलिश, ठीक है, शो कराया मार्केट, ये देखें यहाँ से आई, नीचे गिरने लगी, यहाँ से फिर इस कैंडल को लग के फिर उठ गई, फिर जब आई फिर नीचे थोड़ी सी नीचे गई, यहाँ तक आई, लेकिन नीचे शॉर्ट में। अब यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट लिया होगा कि भाई येलो को तो क्रॉस हो गई है, मैं यहाँ से शॉर्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जिस बंदे ने भी शॉर्ट लिया होगा वो तो रुल गया ना, ठीक है, उसको तो लॉस हुआ। इसी तरह अब इस पॉइंट से जिस भी बंदे ने मतलब बाय लिया होगा, ठीक है, उसका भी मतलब वो किसी सूरत बच गया। लेकिन मतलब मैं इसमें इसी वजह से कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन में ट्रेड ना लें कि जब मार्केट बीच में है, आप इसमें कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो आप इसमें ट्रेड ना लें, ठीक है। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि आप लोग इस कंडीशन में ट्रेड ना लें, आप मार्केट की एक पोजीशन लेने का वेट कर लें, ठीक है। अब जिस बंदे ने इस पॉइंट से, अब मार्केट देख लें बार बार येलो लाइन को लग के, जब मार्केट बाय ट्रेंड में होगी तो ये बाउंसिंग एक्शन में होगी, ठीक है। अब ये दोबारा इस जगह पे आई है मार्केट, ठीक है। यहाँ से अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, अब ये कैंडल यहाँ से दोबारा इधर से लग के उठ सकती है, ठीक है। मैंने अब वो लाइंस डिलीट कर दी, अगर हमारी यहाँ पर वो लाइन, अगर आपने ये लाइन है, लेट्स सपोज ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, या हमारी लेटेस्ट रेजिस्टेंस ये बन रही है, ठीक है, ये देखें, इसको कर देते हैं जी ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हमने कर दिया यहाँ से ब्लू, ठीक है। अगर हम इसको इस पॉइंट को देखें कि हमारी ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, इस रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर हमें ये रेजिस्टेंस है, फिर मतलब अगर मार्केट इस पॉइंट से जाती है, हम यहाँ तक ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, 1971 हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ से ही इसी येलो लाइन से ही हमने बाय ले लिया, ठीक है। अगर हमने बाय लिया तो वो हमारा थोड़ा सा भी ऊपर 87-90 के अराउंड भी जाता है, तो हम जो है हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके $3-4, $1-2 लेके हम ट्रेड से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई ईएमए की, कि आपने येलो इन दोनों लाइंस के अंदर ही रहना है, ठीक है, इन दोनों लाइंस से ऊपर ट्रेड करनी है या लाइंस के नीचे ट्रेड करनी है, लाइंस के दरमियान में ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ठीक है। और जो है ना ट्रेडिंग के एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप जितना इसको समझ के चलेंगे, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, ये उतना जो है ना, आप ये देखें, हमने यहाँ मार की थी एक घंटे के अंदर, इसकी ये पोजीशन है, इट मींस कि ये अभी मज़ीद गिर सकता है, येलो लाइन नीचे है, ठीक है, 15 मिनट में ऊपर थी, इसमें नीचे, असल इसकी जो स्पॉट बन रही है वो बन रही है 1926, कि अगर अब ये गिरेगा तो 19, ये देखें यहाँ से ये चढ़ा है, ठीक है, इसने यहाँ पर आके ये 1860 के ऊपर आया है, ये दोबारा इसको टच किया येलो लाइन को, ठीक है, फिर ये 1860 से चढ़ा है और ये 2021 तक गया, ठीक है, 2021 से अब ये फिर गिर रहा है, ये इसके नीचे आते आते तक, यहाँ तक मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये 1947 तक या 1950 के अराउंड आके, यानी कि इस स्पॉट पे आके, इस वाली स्पॉट के ऊपर आके 1940-50 के अराउंड एक दफ़ा नीचे आके इस येलो लाइन को टच करके फिर जो ये अगला स्टेप लेगा, ये फिर दोबारा जाएगा
2100 के अराउंड में, ठीक है। मतलब मार्केट है तो बाय में, इसने जाना बाय में है, लेकिन हमने क्या करना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये है मेरा एनालिसिस। इसी तरह मार्केट एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। EM में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो है हम आते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन पे, ठीक है। मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन जो है ये बेसिकली इसका वॉल्यूम है। आप यहाँ पर या वॉल्यूम यूज़ कर लें, ये आ गया नीचे, ठीक है। आप या इसका वॉल्यूम यूज़ कर लें, वॉल्यूम वाला चार्ट यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम से ज़्यादा मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को करता हूँ। और ये जो इसके अंदर ये है ना 12, 26 और 9, ठीक है, मतलब ये इट मीन्स इसका मतलब ये है इनपुट्स में 12, 26 और 9 का मतलब है कि ये 12, 26 और 9 कैंडल्स के एल्गोरिथम पे चल रहा है, ठीक है। जबकि हमने इसको जो करना है वो करना है 3, 10 और 16, ठीक है। हमने इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। 3, 10 और 16 का एल्गोरिथम जो है ये बहुत एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। अब ये देखें इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस जगह के ऊपर वॉल्यूम की कैंडल, आपको लेट्स सपोज आपने मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ इसने ग्रीन दिया है, ठीक है। अगर इसने यहाँ पर ग्रीन लाइन दी है, ठीक है, अगर इसने यहाँ पर ग्रीन लाइन अगर आपको इसने दे दी है, तो यहाँ से ये ग्रीन हुई, ये देख लें ऊपर आप चार्ट को देखते जाएं और इसको देखते जाएं, ठीक है। जहाँ पर इसने हल्की ग्रीन है मतलब आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। जहाँ फुल रेड देगा ये, इट मीन्स वहाँ मार्केट रेड का है, शॉर्ट का सिग्नल है, ठीक है। इसी तरह अब इसके बाद यहाँ पर देख लें मार्केट यहाँ से इसने क्रॉस कर लिया। आप इन दोनों को भी येलो और वाइट कर सकते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि वॉल्यूम जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप इसको येलो कर दें, ठीक है, और आप इसको कर दें वाइट, ताकि आपका ऊपर वाला चार्ट और नीचे वाला चार्ट जो है वो दोनों सेम हो जाए। अच्छा जी, अब ये देख लें कि ये यहाँ से इसने वाइट को क्रॉस कर दिया है, तो ये आ गया शॉर्ट की कंडीशन में। अब चार्ट को देख लेते हैं, ये देखें जी, यहाँ से इसने क्रॉस किया, इस पॉइंट से जहाँ से क्रॉस किया वहाँ से रेड लाइन है, उसके बाद फिर रेड मार्केट फिर गिरी, फिर हल्का रेड है, इट मीन्स ये ग्रीन भी है तो इसका कोई वो नहीं है। ये जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि नीचे जो आपको मैक्ट बता रहा है, आपने मैक्ट को भी फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैक्ट फुल शॉर्ट में आ गया, तो इट मीन्स कि ये गिरेगा, ठीक है, ये गिरेगा और ये यही 1930-40 के अराउंड आएगा। तो भले मार्केट येलो लाइन की कैंडल में है, ठीक है, हमने मतलब येलो से ऊपर है लेकिन बुलिश है, लेकिन मार्केट हर इंडिकेटर बता रहा है, ट्रेडिंग व्यू कह रहा है बाय, लेकिन मैक्ड कह रहा है कि शॉर्ट, तो इट मींस यहाँ पर अगर आपने फौरी तौर पर ट्रेड लेनी है तो आप शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। वो शॉर्ट की ट्रेड आप छोटा शॉर्ट लें, बड़ा शॉर्ट लें, आप $5 का शॉर्ट ले लें, आप $60 का शॉर्ट ले लें, लेकिन आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। जब यहाँ से मैक्ड इस तरह, ये देखें जैसे यहाँ पर इसने क्रॉस किया है, मैंने यहाँ से मार्क भी किया हुआ था, यहाँ इसने येलो और मतलब वाइट लाइन को दोनों को क्रॉस भी किया, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद ये देखें ये ऊपर की तरफ गया, तो ये जितनी देर ऊपर की तरफ गया यहाँ से ये येलो लाइन यहाँ मैक्ड की भी ऊपर रही है, ठीक है। अब आपको समझ आती जा रही होगी चीज़ों की कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, कि आपने कौन सी स्पॉट, अगर फ़र्ज़ किया आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी थी या आपने स्पॉट मार्क की हुई है, ठीक है, मार्केट उस टाइम यहाँ थी, आपने ये वाली स्पॉट भी जिस तरह और स्पॉट्स मार्क की हुई थी आपने ये वाली स्पॉट मार्क की हुई है, आप यहीं से शॉर्ट ले लेते तो यहाँ तक आप प्रॉफिट में होते, ठीक है, आप प्रॉफिट करके अपना साइड हो चुके होते कि आपको पता था कि यहाँ मतलब रेजिस्टेंस है तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, जहाँ स्पॉट है वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, जहाँ येलो कैंडल है वहाँ से आप, अब ये देखें मार्केट अभी हमारी देखते देखते में ही 84 पे थी और 84 से अब ये 76 पे आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि EM में इन द एंड हम फिर आ जाएं, अगर हम इस पे EM में मैक्ड RSI और वॉल्यूम आपकी मर्ज़ी आप यूज़ करें या ना करें,
मैं जो आपको मतलब सजेस्ट करूँगा, RSI और वॉल्यूम जो है ये भी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो जिनसे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ और जिनसे जिनको मैं प्रेफर करता हूँ, जो मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, वो जो हैं वो यही दो स्ट्रेटजीज हैं कि जिसके तहत आप काम कर सकते हैं EMA और MACD। अगर आप सही तरीके से सिर्फ इन दो कैंडल्स को ही, इन दो इंडिकेटर्स को ही अगर आप समझ लें, आप मार्केट टेक्निक्स को समझ लें, आपको मार्केट के एनालिसिस का पता हो, आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का पता हो, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से ये आपको सारा मार्केट एनालिसिस और ये सारी चीज़ें जो है, ये आप कॉइन मार्केट कैप से की मदद से, बाइनांस की मदद से और स्पेशली ट्रेडिंग व्यू की मदद से आप इसको कर सकते हैं। ट्रेडिंग की यानी कि सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग प्रैक्टिस करें और जो है उसके बाद बाइनांस में आप लोग पहले आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग की, स्पॉट तो स्पॉट है ना, स्पॉट पे तो आप जो है बस आपने ट्रेड ली और आपने छोड़ दी, कॉइन ख़रीद लिया और ख़रीद के अपने पास रख लिया, जबकि फ्यूचर असल गेम है। ठीक है, तो मैं भी फ्यूचर को पसंद करता हूँ पर्सनली, तो आपको भी इंशाल्लाह फ्यूचर का ही जो है ना वो तरीक़ाकार समझाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, डायरेक्ट बाइनांस के ऊपर जो है ट्रेड किस तरीके से आपने लगानी है इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं गाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली डिजिटल डायरीज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीलॉग्स भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, फर्दर अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार लाजमी करते रहा करें। इस वीडियो से रिलेटेड भी आप लोगों को कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और अगर आप स्पेसिफ़िक किसी चीज़ के हवाले से कहते हैं बाइनांस में या किसी चीज़ में वीडियो चाहिए बनाएँ, तो मैं वो भी आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड करूँगा बना के। मेरा एक अपना तरीक़ाकार है, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इंसान का अपना होता है। मेरा प्रॉफिट करने का या ट्रेडिंग करने का वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरी इस बात पे गारंटी है कि आप इसमें से प्रॉफिट बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।